अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद सिमा में वेलकम। अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम घी लेंगे, हाफ कप से कम लेंगे घी। बिस्किट में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे ताकि घी का दाना ख़त्म हो जाए। सौ ग्राम चीनी लेंगे, हाफ कप से कम लेंगे चीनी। पिसी हुई चीनी लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चम्मच की मदद से दबाकर इसको मिक्स करना है ताकि घी का दाना ख़त्म हो जाए, मिक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये वैसे ही बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो घी का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, बिस्किट बहुत ऑयली ऑयली बनेंगे। हमने सिर्फ इसको चम्मच से ही मिक्स करना है, इसका दाना ख़त्म करना है। एक अदद अंडा डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ज़ीरा बिस्किट बनने वाले हैं। ये देखिए मिक्सचर स्मूथ हो गया है। ढाई सौ ग्राम मैदा डालेंगे। मैदा मैंने छान लिया है, आप भी मैदा इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून डालकर मिक्स कर लेंगे। मैदा ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स करना है। डो तैयार करनी है। डो रेडी हो गई है। डो को बटर पेपर पर रखेंगे, एक पेपर इसके ऊपर रखेंगे। बेलने की मदद से हमने आहिस्ता आहिस्ता डो को बेलना है। अगर आपको लगे कि डो बहुत नरम पड़ रही है, बेली नहीं जा रही, तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। आप बटर पेपर की जगह शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर या शॉपिंग बैग के बगैर डो बिल्कुल नहीं बेली जाएगी, क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट होती है। ये देखिए कितना बारीक बेलना है। अब इसकी कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। आप जार के कवर से भी इस तरह कटिंग कर सकते हैं। इस साइज की हमने कटिंग कर लेनी है। सारे बिस्किट्स की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मिक्सर उठा लेंगे, उसकी दोबारा उसको इस तरह बेल के उसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्किट को उठाकर प्लेट में रखेंगे। प्लेट को मैंने बटर पेपर लगाकर इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। छुरी की मदद से उठा उठाकर बिस्किट प्लेट में रखेंगे। क्योंकि बिस्किट बहुत सॉफ्ट बने हैं, इसलिए हाथ की मदद से नहीं उठाने।
बिस्किट पर आप 2 से 3 जीरे के दाने रखेंगे। छुरी की मदद से ऐसा ऐसा इनको प्रेस कर देंगे। अब बिस्कुट को बेक होने के लिए रख देंगे। पतीले में मैंने नमक डाला है और इस पर मैंने स्टैंड रखा है। पतीले को अच्छे से पहले गर्म कर लें। पतीला गर्म हो गया है, 2 से 3 मिनट में पतीला गर्म हो जाता है। अब इसमें प्लेट रखेंगे, इसको कवर कर देंगे। फ्लेम मैंने लो पे कर दिया है। 25 से 30 मिनट तक इसको कवर करके रख देंगे। 30 मिनट के बाद बिस्किट बेक हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरा बिस्किट बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।